ओंकारा जी सोच रहे हैं आप? तुम्हारे बारे में ही तो सोच रहा हूं। सरप्राइज देना था ना तुम्हें। हाँ, उस सरप्राइज से याद आया, हमने भी आपके लिए पहले मेरा सरप्राइज। तुम्हारे लिए एक है? सारी है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पहनो और मुझे टेरेस पे मिलो। ओंकारा जी, ये सारी जगह हम घर की। बातें बाद में, पहले सारी पहनो और मुझे टेरेस पे मिलो, मैं वहीं हूं। जल्दी रुकिए, देख के आती हूँ कितना इतना पहला है। एक सेकंड, क्या हुआ? वॉशरूम। व्हाट? तानिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अनिका अभी नहीं, प्लीज। आई रियली कैन नॉट टॉक टू यू अभी। एक मिनट। लेकिन छोटी बात है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अनिका, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ। एक मिनट सुन। अब तुम भी मेरी बात नहीं सुनोगी, मतलब इस पूरे घर में पहली मेरी कोई बात नहीं सुनता है। सबको लगता है मैं पकाती हूँ, अब तुम्हें भी लगता है कि मैं पकाऊं। मेरी जिंदगी की इतनी सी बात तुम नहीं सुन सकती। अनिका, तुम्हारी कहानी वेट कर सकती है, बट मैं मतलब मैंने तुम्हें अपना पति दे दिया और तुम मुझे 5 मिनट भी नहीं दे सकते। 5 मिनट? सिर्फ 5 मिनट ही मांगे हैं मैंने। तो सुन, तो जिंदगी वैसे कितनी अजीब है ना, कभी कभार 1 घंटा ऐसा लगता है कि मतलब यूं निकल गया, और कभी कभार 5 मिनट ऐसे लगते हैं कि सालों साल हो गए लेकिन 5 मिनट नहीं किया। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारी मेरी बात ही नहीं सुनोगी तो बकवास तुम्हें बकवास ही लगेगा ना। तो जिंदगी है ही ऐसी कि कभी खुशी है, कभी गम है, कभी कभी ज्यादा है, कभी कम है। लेकिन खैर, ये सब छोड़ो। अनिका, तुम समझ नहीं रही हो, मुद्दे की बात बची है अभी, सिर्फ 2 मिनट लूंगी। और तो ऐसा है कि अब सच्चाई है कि तुम्हारे पास वो है जो अब मेरा नहीं रहा है ना। अब जब मेरा नहीं रहा तो वो देखो, अब जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, तो इस सब में मेरा नहीं रहा। लेकिन मुझे पता है कि एक चीज है जो है, वो है वो तुम। और जो तुम हो, भले मेरी सौतन हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक नारी हो, तो तुम मेरी प्रॉब्लम को समझोगी और मेरे साथ, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता नहीं, पर मेरा दुखड़ा समझोगी। लेकिन जो मर्द होते हैं ना, वो तो ऐवे ही होते हैं, एकदम जीरो इमोशन। अनिका, बस बहुत हो गया, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई टू रन। अरे लेकिन हुआ क्या, बताते जाओ। क्या 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 है ये सब? क्या किया तुमने उसके साथ? जैसे को तैसा। मतलब क्या? तेरे ने आप मेरे साथ चला।
क्या व्हाट्स गोइंग ऑन क्या हो रहा है. आई लव यू. ओमकारा जी, चांद अपनी रोशनी के बिना कैसे आ सकता. अपनी आंखें बंद करो. क्यों ना कह सके तुम
ऐसा लग रहा है या उस अर्जुन के साथ ज्यादा मजा आ रहा था तुम्हें? सुना अर्जुन, तुम्हारा अर्जुन क्या कह रहे हैं आप? ओमकारा जी, किस अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा अर्जुन? और कितने अर्जुन है तुम्हारी जिंदगी में? मैं उसकी बात कर रहा हूं जिससे मिलने तुम जाती थी मुझसे झूठ बोल के, चुप चुप के फोन पे बातें करती थी। वही अर्जुन जिससे तुम मिलके आई हो, घूम फिर के आई हो। वही अर्जुन जो सडनली इतना प्यारा हो गया तुम्हें, जिसके लिए तुमने रिश्ते नाते मान मर्यादा शादी सब भूल चुकी हो तुम। कि आपने हम पे इल्जाम लगा दी और सजा भी सुना दी। सफाई देने का मौका तो देते ओमकारा जी, अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता ना गौरी, तो शायद मैं तुम्हें सफाई देने का मौका देता। आंखों देखा झूठ भी तो क्या झूठ? कैसा झूठ बताओ मुझे? मुझसे झूठ बोल के उससे मिलने नहीं जाती थी, चुप चुप के फोन पे बातें नहीं करती थी? बस तुम्हारी असलियत मैं जान चुका हूं। तुम वो औरत हो जो अर्जुन जैसे लड़के के साथ ऐसी ऐसी घटिया जगह पे। छी, बहुत बहुत गहरी चोट दी है तुमने मुझे, बहुत गहरी सी। तो यहां झूठ, झूठ से मुझे सख्त नफरत है, और ना ही मुझे झूठ सुनने का कोई शौक था और ना है। और सच्चाई सच्चाई यही है कि तुम्हारा उस अर्जुन के साथ अफेयर चल रहा है। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? अब ऐसा सोचते हमारे और कैसा सोचूं? और कैसा सोचूं? कैसा सोचूं? हमारे बीच जो कुछ भी था, यू 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 भूल गई, तोड़ दिया, सब कर दिया उस अर्जुन के लिए। बीच में मुझे लगा कि शायद मेरी राय तुम्हारे बारे में गलत है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं तुम्हें, लेकिन मैं उस वक्त गलत था क्योंकि मेरी राय बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। तुम्हारे अंदर ना शराफत है, ना वफादारी है, और सच्चाई तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिवाय की शादी तक तो रुक जाती, इतना तो कर सकती थी ना। मेरी मां, मेरी दादी बहू मानती है तुम्हें, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी लाडली बहू इतनी गिरी हुई घटिया घिनौनी है, एक पराए मर्द के साथ ऐसी घटिया जगह पे रूम नंबर 409 में। वक्त 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 बिता रही है तू, वक्त उसके साथ। ये जो ड्रामा कर रही हो ना, ये रोने का और ये भोलेपन का मत करो। एक बार पहले मैं फंस चुका हूं, लेकिन अब नहीं फंसूंगा। अपने ऊपर डाउट भी किया था मैंने, लेकिन अब नहीं करूंगा। ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। नहीं, स्टे अवे। तुमने सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का दिल तोड़ा है गौरी। तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है, और अब से मेरी जिंदगी में और मेरे परिवार में ना तुम्हारी कोई जगह है और ना ही जरूरत। तुम्हारा सारा सामान गाड़ी में पड़ा है, उसे उठाओ और चलती बनो।
जाओ जियो प्यार मोहब्बत खुशी से उस अर्जुन के साथ जियो ऐसी जगह पर। को भव्या, पर जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें ये बैच और गन भी वापस करने पड़ेगी। बड़े और दर्शन छोटे, आज समझ में आया ये ईमानदारी सिर्फ एक महज थी, एक ठोंग थी बड़ी आई लेडी को अपने आप में डीआईजी से कम नहीं समझती थी। निकल गई ना सारी अकड़, सारी हेकड़ी और ये सारी अकड़ ये सारी हेकड़ी कमिश्नर साहब के दम पर थी, बट आज कमिश्नर साहब भी नहीं बचा सके। अरे ये तो बड़ी कच्ची खिलाड़ी निकली, इतनी आसानी से पकड़ी गई। हमें साथ रही होती तो कुछ टिप्स दे देते। अरे ये काम इन लोगों का थोड़ी है, ये औरतों के बस का काम नहीं है। इनके हाथ में गन नहीं, बेलन ही अच्छा लगता है। क्या बोला? ये तुम क्या कर रही हो? तुम अब एसीपी भव्या नहीं है और पुलिस वाले पे हाथ उठाने का मतलब जानती हो तुम? क्या सजा होती है उसकी? Please leave.